बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। मुझे कहते हैं राशिद तबस्सम, आपको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज मैं आपको मुनफरिद हिसाब से वीडियो दिखाऊंगा। ये देखें, मैं अपनी छत पे मौजूद हूँ। इस साइड पे तकरीबन 3 खोखे आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। एक सामने खोखा मौजूद है काके भट्टी का, एक और खोखा मौजूद है और इस तरफ भी एक खोखा मौजूद है। वो देखे सामने कबूतर उड़ गए हैं। और दोस्तों मैंने भी कबूतर शाम को खोले हुए हैं। ये देखें मेरे कबूतर जो है छत पे मौजूद हैं। और आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, मैंने कहा यार अपने कबूतरों को जाके निकालता हूँ। तो दोस्तों मैंने आज एक कबूतर शिकार भी किया है। दोस्तों जो मैंने शिकार किया है उस शिकार पे ना एक ही मसाल जो है सूट करती है कि मासूम परिंदा जालिम शिकारी। तो मैंने एक शिकार भी किया है, पट्ठा पकड़ा है, वो भी आपको दिखाऊँगा। और ये देखें सामने कबूतर उड़ रहे हैं दोस्तों, दो खोखे सामने मौजूद हैं और जो है एक खोखा इस साइड पे मौजूद है। इधर अदील भाई के कबूतर हैं, साथ ही मंजूर और फजूरे के कबूतर हैं। तो ये मेरे कबूतर हैं, साथ ही दोस्तों बिल्कुल ये जो खंबा नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल साथ भी एक न्यू शौकीन है, उसने कबूतर रखे हैं। उसके तकरीबन 10 कबूतर हैं और मेरे साथ भी उनकी जंग है। तो आज मैंने उसी का कबूतर पकड़ा है। बहरहाल कबूतरबाजी में पकड़ पकड़ा तो जारी रहती है, चली रहती है दोस्तों। कभी बंदे का कबूतर गिर जाता है, कभी बंदा पकड़ लेता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, शौक मोहब्बत प्यार से होना चाहिए। तो जो मैंने कबूतर निकाले हुए इनको भी थोड़ा सा उड़ाते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करना है। और दोस्तों मैंने कबूतर तो बाहर निकाले हुए हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं मुझसे, क्योंकि पहले सुबह के टाइम निकाल, अब दोस्तों इनको शाम के टाइम निकाला हुआ। ये देखें मेरे एतमाद के कबूतर हैं दोस्तों, अब इनको उड़ाते भी हैं थोड़ा सा। ये देखें दोस्तों शाम का टाइम है और मैंने इनको उड़ाया। ये देखें दोस्तों, इनको थोड़े थोड़े तावे लगवाते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपने कमेंट में बताना है क्या मुझे शाम की रूटीन पे कबूतर करने चाहिए कि नहीं। लेकिन फिर मसला ये है कि अगर मैंने शाम की रूटीन पे कबूतर कर दिए तो दोस्तों आपको वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। मेरी मजबूरी है क्योंकि शाम को तो मैं आपको रोज़ाना न्यू से न्यू शो की वीडियोस दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, और दोस्तों इन कबूतरों को मैं सुबह के टाइम दाना खिलाता हूँ। अब इनका दाना भी जो है टाइट है और ये देखते हैं अब ये क्या करते हैं। ये देखें डर डर के उड़ रहे हैं। ये एक कबूतर आ गया, ये बाकी भी आ गए हैं। और दाने की छांट लगाता हूँ तो ये दोस्तों इनका पेट फुल है, तो ये नखरे से कर रहे हैं क्योंकि इनकी रूटीन सुबह की है। ये देखें दोस्तों, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करना है। और दोस्तों ये मेरे कबूतर हैं। और दोस्तों तकरीबन परसों की बात है, सुबह सुबह मैंने कबूतर निकाले थे, अपने 70 कबूतर निकाले थे। तो मैंने जो है फिर थोड़े पटाखे शटाखे बजाए और मेरे पास ट्यूब पड़ी है, वो देखे वो सामने ये ट्यूब पड़ी है, इसके साथ पटाखे बजाए। कबूतर जो है डर के लंबी पट्टी पे घिरे हैं और 55 कबूतर वापसी पलटा है। 15 कबूतर तकरीबन 14-15 आगे चले गए थे, उनमें से 5 कबूतर जो है घिरे हैं दोस्तों, बाकी माशाल्लाह सारे वापसी आ गए थे। और बिल्कुल नया माल था दोस्तों, ये जितने भी कबूतर आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, मैं कच्चे कबूतर लेता हूँ मंडियों से, अपनी पसंद का परिंदा ले के फिर उनकी तैयारी करते हैं। एक परिंदा था दोस्तों शौक का, तो वो गिरा, अल्लाह खैर करे, कबूतर बहुत प्यारा था। ये देखिए मैं तस्वीर भी शेयर कर रहा हूँ, ये वाला परिंदा, ये परिंदा भी दोस्तों मेरे इलाके के शौकीन है, उनका गिरा था तो मैंने फिर किसी और से पकड़ का कबूतर उठाया था। खूबसूरत कबूतर था, बहरहाल नसीब में नहीं था। और ये वाला परिंदा भी गायब हुआ है दोस्तों, चला गया। तो अब दोस्तों दिल को समझा लिया कि जो परिंदा हमारे पास है, जो हमारा वफ़ादार है, वही हमारा है। और इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ जो गिर गया वो हमारा था ही नहीं, जो हमारे पास है वही हमारा वफ़ादार है, वही हमारा है। ये देखें, और आपने बताना कमेंट में कि आपको मेरे कबूतर कैसे लगे। इनमें से कुछ कबूतर अभी लड़ते हुए मैंने निकाले भी नहीं है दोस्तों। आपने कमेंट में लाजमी बताना है क्या मुझे शाम को रूटीन चेंज करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन ये है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको रोज़ाना नए से नए शौक की वीडियोज़ दिखाता हूँ, अगर मैंने शाम की रूटीन चेंज कर ली तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन कबूतरों का दाना पानी करना, इनको उड़ाना और आपको नया से नया शौक भी दिखाना। तो माशाल्लाह काफ़ी सारे दोस्त हैं जुड़े हुए हैं जी चैनल के साथ, उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। इंतज़ार में होते हैं कि रोज़ाना न्यू वीडियो आएगी, तो फिर यार बड़ा मसला बन जाएगा। बाकी आपने कमेंट में बताना है कि क्या करना चाहिए। और दोस्तों ये वाला पट्ठा मैंने पकड़ा है, ये देखें
ये वाला मैंने आज पकड़ा है अपने हरीफ का। जैसे बिल्ली बैठी होती है ना दोस्तों शिकार करने के चक्कर में परिंदे को, ऐसे मैंने ना फौरन से कबूतर उड़ाया और झपटा मारा है। और ये वाला पट्टा आया, ये पकड़ा है, ये देखें बाहर भी निकाले हुए हैं कबूतर। ये देखें दोस्तों कुछ करबलाई कबूतर भी हैं मेरे पास दोस्तों, जो मेरे लड़ते हुए हैं। ये बेचारे इस टाइम रेस्ट कर रहे होते हैं ना, आज इनको मैंने बाहर निकाला हुआ है। ये देखें दोस्तों मगरब की अजानें हो चुकी हैं और मैं अभी तक अपनी छत पे ही मौजूद हूँ। ये देखें तमाम कबूतर मेरे बैठे हैं, ये देखें बाबा का।